मैं अपने होटल से चेक आउट कर रहा हूँ दिल्ली से। ये महिपालपुर का एरिया है जो दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास ही पड़ता है, तो अभी मैं चल रहा हूँ महिपालपुर से एयरपोर्ट की तरफ। तो अभी मैं पहुंचा हूं इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, तो आप देख ही सकते हैं यहां पे कितना रश है। सुबह के बजे है 5। ये वाली लाइन की शायद ये वाली लाइन, हाँ इसमें इसमें काफ़ी कम रश है। ये मैं आया हूं गेट से अंदर और अभी मुझे देखना है कि कौन सा वाला जो है सऊदी एयरलाइंस का काउंटर है। जो फ्लाइट है वो सऊदी एयरलाइंस है। मैं काउंटर पे तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, जा रहा हूँ इमिग्रेशन काउंटर्स की तरफ, बट अभी मुझे लग रहा है उतनी ज़्यादा खास भीड़ है नहीं यहाँ पे। ये मेरा इमिग्रेशन हो गया कंप्लीट और मैं अब जा रहा हूँ लाउंज की तरफ जो यहीं से है। मोस्टली क्या होता है कि जो बिजीएस्ट एयरपोर्ट्स होते हैं उनमें जो लाउंजेस होते हैं काफ़ी बिजी रहते हैं, काफ़ी लाइन्स मैंने देखी हैं, बट अभी देखते हैं इस वाले में कितनी लाइन होगी। शायद बहुत कम ही है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। इस वाले में हम चेक करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा कार्ड ये एक्सेप्ट करते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड में लाउंज एक्सेस है तो आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं अंदर और कुछ भी खा सकते हैं। आपके कार्ड से बस 2 या कुछ रुपए ही कटते हैं। तो ड्रीम फोक्स है यहाँ पे, ड्रीम फोक्स से आप कर सकते हैं। और भी कुछ होंगे देखते हैं। मैं अभी भी लॉन्ग से निकला, मैंने ICICI कोरल जो उनका रुपए क्रेडिट कार्ड है उससे लॉन्ग एक्सेस लिया 2 रुपए कार्ड के। मैंने जितना हो सका उतना खाया क्योंकि मोस्टली उन लोगों के लिए उतनी चॉइसेस नहीं होती है, बाहर का खाना ही होता है। तो फ्रूट्स वगैरह मैंने वहाँ से खाए और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मैं अपने बैग में लेके आया। यहाँ पे प्रेयर रूम भी है। मोस्टली जब यहाँ से उमरा करने लोग जाते हैं तो यहीं पे वो फिर इमिग्रेशन कंप्लीट करके एहराम वगैरह बांधते हैं। जगह जगह पे स्मोकिंग रूम्स हैं, स्मोकिंग एरिया। ये एयरपोर्ट का मॉल ज़्यादा ही लग रहा है। यहाँ पे मुझे एक बात याद आई, 2016 में भी मैं उमरा पे गया था और लेकिन तब ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया था क्योंकि तब एक तो छोटे भी थे और मैं ग्रुप के साथ था और वो ज़्यादा इधर उधर जाने नहीं देते थे। तो इंशाल्लाह आज मैं जो हूँ अकेले जा रहा हूँ, किसी ग्रुप के साथ नहीं जा रहा हूँ। सऊदी एयरलाइंस की जो है बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी हम जा रहे हैं अपनी फ्लाइट बोर्ड करने। हमारी बोर्डिंग हो चुकी है और आगे जो बोर्डिंग पासेस है चेक कर रहे हैं। तो ये है सऊदी एयरलाइंस। तो यहाँ पर बोर्ड करने से पहले मुझे एक ईयरफोन मिला, शायद उसके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। हाँ, कुछ टाइपिंग वगैरह करने के लिए भी है। दूसरा मिला हमें पर्सनल हाइजीन किट। इस पर्सनल हाइजीन किट में देखते हैं क्या क्या है। एक फेस मास्क है जिस पे कुछ ट्रेडिशनल प्रिंट्स वगैरह दिए गए हैं। एक यहाँ पे वेट वाइप्स है और शायद एक हैंड सैनिटाइज़र है। तो ये जो मास्क पे ये बना हुआ है ये असल में शायद सऊदी अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा है। सट्टू इसका नाम है, आप पॉज करके देख सकते हैं। ये हमारे पास खाना आ चुका है, इसमें
रोटियां हैं, रोटियों के साथ साथ शायद कुछ दाल वगैरह दी हुई है, कुछ साउथ इंडियन जैसा लग रहा है। हाँ, यहाँ पे जो आप लेफ्ट में देख रहे हैं ये इडली है, बाकी चीज़ें जो है इनका मुझे नहीं पता। और यहाँ पे योगर्ट दिया गया है और ये है फ्रूट पाव। यहाँ पर स्मोक डिटेक्टर्स के साथ टेम्परिंग करने पर 1000 सऊदी रियाल्स आपको फाइन पड़ेंगे। यहाँ पे लिखा है नो स्मोकिंग और यहाँ पे है एस्ट्रे। ये आप खूबसूरत सा एक व्यू देख रहे हैं और हम लैंड कर रहे हैं जिद्दा। फाइनली 6 घंटे की बोरिंग फ्लाइट के बाद लैंड कर चुके हैं जिद्दा में। यहाँ पे दिख रहा था नेक्स्ट ट्रेन इन 2 मिनट्स। और यहाँ से जो है हुदूदे हरम स्टार्ट हो रहा है और हम जा रहे हैं मक्का की तरफ। से हम पहला नजारा देख सकते हैं मक्का का।